प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे साउथ दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर केस की। बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में लगातार दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। कई चौंकाने वाले सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, कई अहम गवाह भी पुलिस के हाथ लग चुके हैं, लेकिन अभी भी श्रद्धा वालकर के केस में कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहा है आफताब आमीन पूनावाला को लेकर कि आखिरकार और कौन कौन से ऐसे गहरे राज हैं जो आफताब अपने अंदर छिपाए बैठा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जांच की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही है आफताब से जुड़े कई घिनौने राज सामने आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से श्रद्धा वालकर को परेशान आफताब करता था, किस तरह से श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और आखिरकार किस बर्बरता के साथ श्रद्धा की जान ली आफताब ने और फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। लगातार पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है और हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिरकार वो श्रद्धा वालकर जो मुंबई में रहती थी, काफी मॉडर्न थी, अपने माता पिता की दो लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उनकी कही दो बातें नहीं सुन पाती थी, फिर आखिरकार ऐसी श्रद्धा क्या मजबूरी थी उसकी कि वो आफताब के सारे जुल्मों को सह रही थी। आखिरकार मारपीट जब आफताब श्रद्धा के साथ करता था, जब वो उसे जलाने की कोशिश करता था, या इस तरह के जो भी यहाँ पर चीजें हैं उन्हें जब आफताब अंजाम दे रहा था, आखिरकार श्रद्धा की क्या मजबूरी थी, क्यों श्रद्धा आफताब को छोड़कर जा नहीं पा रही थी, ये सवाल हर किसी को परेशान यहाँ पर कर रहा है। ऐसे और भी कई सवाल हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता यहां पर लगातार श्रद्धा वालकर केस से जुड़ा हर अपडेट जानना चाहती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्या श्रद्धा वालकर केस में लगातार जिस तरह से लव जिहाद, धर्म और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है, इन्हें गलत ठहराया जा रहा है, कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा आज हमारे बीच होती अगर उसने अपने पिता की बात मान ली होती, अगर उसने एक मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला नहीं लिया होता, अगर श्रद्धा इस बात पर भरोसा कर लेती कि उसके पिता जो कह रहे हैं वो सही है, क्यों आखिरकार इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे और पूरी तरह से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या गलती थी श्रद्धा वालकर की। तो देखिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर लगातार पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है। श्रद्धा के केस में लगातार जो इस केस का मुख्य आरोपी है आफताब आमीन पूनावाला, वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि अब पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति ले ली है। एक सेशन पॉलीग्राफ टेस्ट का हो भी चुका है और दूसरा आज हो चुका है। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई दिल्ली पुलिस को इन टेस्ट को करने की, क्या आफताब से पूछताछ में दिल्ली पुलिस की कहीं कोई कमी रह गई, क्यों नार्को टेस्ट करने की जरूरत पड़ी। दरअसल आफताब का कहना यह है कि इस वारदात को इतना वक्त हो गया है कि वो हर बारीकी से बारीकी डिटेल उसे याद नहीं है, यहां तक कि लगातार जितनी बार सवाल यहां पर दिल्ली पुलिस आफताब से कर रही है वो हर बार अपना जो बयान है उसे बदल रहा है। और आज इसी बीच जिस तरह से दिल्ली के अक्षरधाम से एक और ऐसा केस सामने आया जिसमें हुबहू श्रद्धा की तरह एक युवक की जान ले ली गई और उसके शव के टुकड़े करके पास के ही इलाके में फेंक दिए गए, इसे लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुद खुलासा किया कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों लगातार इस केस को श्रद्धा वालकर के केस से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इसके पीछे भी बेवफाई जैसे शब्द, लव, प्यार, मोहब्बत जैसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। यहाँ पर जिस शख्स की जान ली गई उसका नाम अंजन शर्मा बताया जा रहा है, उसकी पत्नी का नाम पूनम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शादी में धोखा देने की वजह से पूनम ने अपने पति अंजन की बेटे के साथ मिलकर पहले जान ली और फिर उसके शव के टुकड़े किए। इसके साथ यहाँ पर पुलिस को इस केस को सुलझाने में तकरीबन 5 महीने का वक्त लग गया। दरअसल ये पूरा मामला मिली जानकारी
जानकारी के मुताबिक 10 जून का है। 10 जून को दिल्ली पुलिस को अक्षरधाम के पास कुछ शव के टुकड़े मिले, लेकिन पुलिस पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार ये शख्स कौन है, जिसकी वजह से गुमशुदगी का जो ठप्पा था वो अंजन के केस में लग गया। लेकिन पुलिस फिर भी छानबीन कर रही थी। इस केस को रफ्तार मिली जब श्रद्धा वॉल्कर का केस सुर्खियों में आया, और इसी बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिस फुटेज में साफ तौर पर पूनम जो कि यहाँ पर अंजन शर्मा की पत्नी है, जिन्होंने अपने पति की जान ली, उनका एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा, जिसमें वो अपने बेटे के साथ जाती हुई नजर आ रही है। और जब उस इलाके की छानबीन हुई, उसके बाद ये पूरा जो केस है वो पुलिस के सामने आया। लगातार सवाल ये भी उठ रहा था कि जिस तरह से श्रद्धा वॉल्कर के केस में लगातार धर्म, लव जिहाद, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को गलत ठहराया जा रहा था, यहाँ पर लगातार श्रद्धा के केस से ये जोड़ा जा रहा था कि अगर श्रद्धा एक मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होती तो शायद आज वो जिंदा होती, कि अगर श्रद्धा ने अपने पिता की बात मान ली होती तो शायद वो जिंदा होती। इस तरह की चीजें लगातार श्रद्धा वॉल्कर के जान जाने के पीछे की वजह बताई जा रही थी, जिससे लेकर कई जानी मानी हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी, या यूं कहें कि यहां पर इस पर अपने एक जो सोच है उसको यहाँ पर लादने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर श्रद्धा वॉल्कर के केस में ये सारी चीजें लागू होती हैं तो फिर आखिरकार क्या वजह थी, क्यों अंजन, यहाँ पर जो अंजन शर्मा है उनकी पत्नी पूनम ने उनकी जान ले ली, क्योंकि वो तो उनकी पत्नी थी। तो यहाँ पर जो ये पूरा मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है, यहाँ पर ये पूरा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है शादी में हुई दगाबाजी, धोखे, जाल फरेबी जैसी चीजों को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि पूनम और अंजन की शादी बचपन में बिहार में हुई थी। माता पिता ने दोनों की शादी करा दी, लेकिन जब दोनों बड़े हो गए तो अंजन ने पूनम को छोड़कर दिल्ली आ गया बिना बताए, और यहाँ पर आकर उसने शादी कर ली। हालांकि अंजन को भुला नहीं पा रही थी पूनम, और पूनम यहाँ पर दिल्ली आ गई अपने पति अंजन को ढूंढने के लिए। इस दौरान उसकी एक शख्स से मुलाकात होती है, दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है, और फिर पूनम उस शख्स से शादी कर लेती है। गंभीर बीमारी के चलते पूनम के दूसरे पति का निधन हो जाता है, और जिसके बाद पूनम को अचानक पता चलता है अंजन शर्मा के बारे में। अंजन शर्मा के साथ दोबारा शादी करने वाली पूनम को जब ये पता चलता है कि उसे छोड़कर दिल्ली आने के बाद अंजन ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उसके बच्चे भी हैं, ये बात जैसे ही यहाँ पर पूनम को पता चलती है, वो अपने बेटे के साथ मिलकर अंजन शर्मा की जान लेने का ये पूरा प्लान बनाती है। और ये जो पूरा खुलासा है ये दिल्ली की क्राइम ब्रांच की ओर से किया गया है। तो यानी कि यहाँ पर बचपन में माँ बाप द्वारा की गई शादी का ऐसा अंजाम शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो क्या अब ये जो केस दिल्ली में नया सामने आया है, जिसे श्रद्धा वॉल्कर जैसा केस कहा जा रहा है, क्या अब इस केस के सामने आने के बाद आप बाल विवाह को गलत ठहराएंगे? हालांकि वो गलत है, उस पर कानूनी रूप से रोक भी लग चुकी है, लेकिन बिहार या फिर कई ऐसे राज्य है जहां पर जो पिछड़े गाँव है वहां पर अभी भी बाल विवाह होता है। लेकिन सवाल आज भी लगातार यही उठ रहा है कि यहाँ पर किसने किसकी जान ली, उसके पीछे की वजह उस आरोपी के माइंड सेट पर डिपेंड करता है, ना कि बाल विवाह, लव रिलेशनशिप, या फिर लव जिहाद, या फिर यहाँ पर रिलीजन को लेकर जो लगातार कई जानी मानी हस्तियां ये कह रही हैं कि अगर वो इस रिलीजन का होता तो शायद ये नहीं होता, या फिर अगर वो लिव इन में नहीं रह रही होती तो शायद श्रद्धा के साथ ऐसा नहीं होता, या फिर अगर पूनम और अंजन शर्मा की बचपन में शादी नहीं होती तो शायद आज पूनम अंजन की इस तरह से जान नहीं ले लेती। ये सारी चीजें हैं जिन्हें कहीं ना कहीं श्रद्धा वॉल्कर और अंजन शर्मा के केस में जोड़ा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या वाकई में लव जिहाद या धर्म, या फिर यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप, या फिर बाल विवाह जैसे मुद्दे जो इन दोनों केसों में जोड़े जा रहे हैं, क्या दोनों की जान जाने के पीछे वाकई में ये मुद्दे जिम्मेदार हैं, या फिर आरोपी की वो मानसिक स्थिति जिसके चलते वो इंसान से हैवान बन जाता है, और एक ऐसा शख्स जिससे प्यार का दावा करता है उसकी इतनी बर्बरता के साथ जान ले लेता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।